नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। साइबर सेल की सक्रियता के चलते 20 ऐसे मोबाइलों का पता लगा लिया गया जो गुम हो गए थे और बिहार तक पहुंच गए थे। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने लौटाए ये सारे मोबाइल संबंधित लोगों से पूछताछ करने के बाद। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये खबर देखना आवश्यक है, क्योंकि हाल ही में भिवानी पुलिस ने साइबर सेल की सक्रियता दिखाते हुए जो मोबाइल गुम हो गए थे उनकी संख्या 20 थी और उन्हें उन संबंधित लोगों को वापस लौटा दिया गया। मोबाइल आज लगभग हर इंसान प्रयोग करता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में मोबाइल का प्रयोग हम सब के लिए भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब हमारा मोबाइल गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए। ऐसे में हमारे मोबाइल का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत उपयोग किए जाने पर, जहां पर उस मोबाइल से कोई आपराधिक कार्य तथा संभावित घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है और इसके बावजूद भी लोग लापरवाही अवश्य बरतते हैं। हालांकि पुलिस भी समय रहते या समय समय पर जागरूक भी करती है। ऐसे ही 20 मोबाइलों को साइबर सेल की सहायता से पुलिस ने ढूंढ निकाला और फिर उन लोगों को वापस लौटा दिया जिनके ये मोबाइल थे। इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह जांच करने के बाद ये मोबाइल वापस लौटा रहे हैं और साथ ही आमजन को जागरूक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी होने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल का दुरुपयोग कर सकता है और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम भी दे सकता है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। हमारी पुलिस विभाग द्वारा जो साइबर सेल है हमारा, वो लॉस्ट एंड प्रॉपर्टी के जो मोबाइल्स हैं उनको ट्रेस करके और हमारे डीजीपी साहब के निर्देश अनुसार जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हो जाते हैं साइबर सेल उन्हें ट्रेस करता है और लॉस्ट एंड प्रॉपर्टी के संबंध में जो है ना रिपोर्ट जो दर्ज करी जाती है उनको हमारा साइबर सेल अथक प्रयास से ढूंढता है और उन व्यक्तियों तक पहुँचाता है जिनके वो मोबाइल कहीं ना कहीं गुम हो गए थे। कई रोडवेज में छोड़ जाता है, रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया, पार्कों में छोड़ गए, या किसी का घर में पड़ा हुआ मोबाइल गुम हो गया, या बस में से चलते हुए गिर गया, बाइक पे से गिर गया या पार्क में छोड़ दिया। इस टाइप के वो मोबाइल जिनकी शिकायतें लोग आके दर्ज करवा के जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल फलानी जगह गुम गया। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मोबाइल से अगर किसी का गुम मोबाइल है और वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए तो सबसे बढ़िया है, अन्यथा कोई भी आपराधिक व्यक्ति जो है ना उस मोबाइल को किसी ऐसी प्रक्रिया में प्रयोग कर सकता है जो हमारे समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारे विभाग ने ये कदम उठाया कि जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हो जाते हैं उन्हें ढूंढकर उन व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। और आज इसी क्रम में हमारे साइबर सेल द्वारा लगभग 20 व्यक्तियों के गुम वे जो मोबाइल थे उनको ढूंढा गया और उनके हवाले किए गए। तो सर, किसी का मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उनको क्या दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार सतर्क रहे वो बच्चे? अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या गिर जाता है तो सर्वप्रथम उसे जाके थाना को सूचित करना चाहिए, इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए और जिस कंपनी का वो मोबाइल है, जिस कंपनी का वो सिम चल रहा है उस कंपनी से उस मोबाइल को बंद करवा देना चाहिए ताकि वह किसी आपराधिक व्यक्ति द्वारा किसी वारदात में प्रयोग ना किया जा सके।